शाहजहांपुर के सिधौली ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। यहां निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा वापस कराने के लिए उसके घर पर पुलिस, पीएसी और राजस्व की टीम पहुंची। आरोप है कि बीजेपी नेता और सरकारी मशीनरी निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन वापस लेने के दबाव बनाने पर प्रत्याशी का मकान गिराने तक की धमकी दे डाली। ब्लॉक प्रमुख बीजेपी मछला सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एक निर्दलीय प्रत्याशी रितु सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। आरोप है कि पर्चा दाखिल करने के बाद से लगातार पुलिस और राजस्व की टीम उनके मकान को अवैध निर्माण बताकर गिराने की धमकी दे रहे हैं। नामांकन का पर्चा वापस लेने पर राजस्व की टीम, पुलिस और पीएससी निर्दलीय प्रत्याशी के घर पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के दर्जनों समर्थक टीम के सामने आ गए। फिलहाल राजस्व की टीम साफ तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। रंजीत साहब, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला जांच के दौरान है, वैधानिक कार्रवाई हो गई है। हाँ, अब जांच शुरू हो गई है, माल बरामद कर लिया गया है, अभियुक्तों की तलाश जारी है। क्या कार्रवाई की जा रही इसमें? जो नियम के तहत आ रहे हैं वही कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पेड़ों का मामला था और इस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सुबह सूचना आई थी कि कुछ पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, तो यहाँ पे रेंज अफसर की टीम भेजी गई थी देखने, और मैं भी मौके पर आया था, तो इसको यहाँ पे मौके पर देख रहा हूँ। ये प्राइवेट ज़मीन और सड़क की पटरी का बीच का मामला है, जिसमें कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए हैं। तो इसकी इंक्वायरी करने के लिए बोला है कि पेड़ यदि सरकारी हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, प्राइवेट है तो उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो टीम को मैंने बोला है और शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है आरोप को। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।